बरक तआला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफ बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। अल्लाह बरक तआला का फरमान है, ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। बनी इसराइल से मुलाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। जब भी क़ुरान में लफ्ज़ बनी इसराइल आएगा तो इससे मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को मुखातब किया जाएगा। बनू का माने होता है औलाद। इसराइल ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। अबरानी ज़बान में इसके माने हैं अब्दुल्ला। तो ए अब्दुल्ला की औलाद, अब हमारे यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, तो लिहाजा ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को खुसूसी तौर पर मुखातब फरमाकर उनको बुलाकर उनसे बात फरमा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में पोते होते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद थे, दो नबी हुए। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी नहीं हुए। आखिरी ज़माने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हुए। तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक जितने भी अम्बिया आए, पूरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उन्हीं की औलाद में से आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, तमाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में से ही आए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से ही आए। तो तकरीबन हमारे नबी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 5000 से 4000 साल का फासला है। तो 4000 साल में जितने भी अम्बिया आए, पूरे कौम बनी इसराइल में ही आए। तो लिहाजा इससे इस कौम की बरतरी और इस कौम के इल्म का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो असल इल्म देने वाला नबी है वो इसी कौम में पैदा होता रहा। इसीलिए मदीने में इनके इल्म की ऐसी ढाट बैठी हुई थी कि कई लोगों ने इस बात पर अपने ईमान लाने को मुअल्लक कर दिया था, लटका हुआ रख दिया था कि अगर बनी इसराइल के लोग ईमान लाएंगे तो हम ईमान लाएंगे। यहाँ तक ये लोग कहा करते थे, क्योंकि ये लोग इल्म में ज़्यादा जानने वाले हैं, ज़्यादा बातें इनको मालूम है, अम्बिया इल्म में तशरीफ़ लाते हैं, लिहाजा अगर ये लोग ईमान ला लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लेंगे, इस्लाम को कबूल कर लेंगे। ये कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े फ़ज़ल और रहमत नाज़िल फरमाई, इनायत इनको अता फ़रमाई। लेकिन और यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तमाम आलम में इनको बरतरी दे दी थी, लेकिन ये हर मरतबा अल्लाह ताला की नाफरमानी करते जाते थे। यहाँ तक के कई अम्बिया जो इनको इस्लाम की दावत देने आए, उनको तो ये लोग शहीद करते रहे। यहाँ तक के बाज अम्बिया को ये लोग सर से पैर तक आरे से चीर दिए, इतने सख्त लोग थे। इसके बावजूद जब कोई नबी आते फिर उनके हाथ पर ईमान लाकर तौबा करते तो अल्लाह की तौबा को कबूल फरमाता था। ये लोग ईमान लाते रहे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से तमाम नबियों पर। अब इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तक ये लोग ईमान लाए। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी तशरीफ़ लाए, ये दो नबियों के लोग नहीं मानते, इसीलिए इनको यहूदी भी कहा जाता है। ये यहूदी लोग ही जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक ईमान लाए, उसके आगे फिर ईमान नहीं लाए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग फिरौन के ग़ुलाम बने हुए थे और बड़े बड़े काम इनसे लिए जाते थे और इनमें बड़ा जुल्म व जबर किया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फिरौन के जुल्म से बचाया। इनके लिए दरिया को अल्लाह ने दरिया में रास्ता पैदा कर दिया इनके लिए। इसके बावजूद फिर आखिर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने इनके दौर में इनसे वादा भी लिया था कि अगर मेरे नबी तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तो तुम उन पर ईमान लाना। लेकिन ये लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अपने उस वादे को भूल गए और चंद पैसों की खातिर,
ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। होता यह था कि नबी के इनकी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ लिखे हुए थे कि आखिरी नबी जो होंगे ऐसे ऐसे होंगे, उनके वालिदैन का ऐसा ऐसा हालात रहेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज़ ये रहेगा, बैठने का अंदाज़ ये, उठने खाने पीने देखने का अंदाज़ ये रहेगा, उनके रुखसार ऐसे रहेंगे, उनकी आँखें ऐसी रहेंगी, उनके जुल्फ़ ऐसी रहेंगी, तमाम चीज़ों का जिक्र इनकी किताबों में हो गया था। गोया कि अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग नबी को ऐसे जानते हैं कोई शख्स जैसे अपनी औलाद को जान लेता है, हज़ारों में भी अगर अपनी औलाद को देखे तो आदमी पहचान जाता है। तो नबी को भी ये लोग ऐसे जानते थे, लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया करते थे। क्यों? इसलिए कि इनकी अवाम तो इनके जो उलमा थे बुरे उलमाए सू, उनके ऊपर जो है ना अपना एतमाद रखती थी कि अगर ये हमारे उलमा है, अगर ये ईमान लाएंगे तो हम ईमान लेंगे। इनके उलमा का हाल ये था, इनके बड़े लोग अमीरों का हाल ये था कि ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और पहचान लिए कि यकीनन यही आखिर उस्ज़मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही आखिर ज़माने के नबी हैं। लेकिन अगर नबी पर ईमान ला लेंगे तो इनकी जो उलमा का जो लोगों के दिलों में एक रोग था और लोगों के पास इनका जो मकाम व मर्तबा था भी वो मजरूह हो जाएगा, इन तमाम को नबी के सामने झुकना पड़ेगा, नबी की इताअत करनी पड़ेगी, तो लिहाजा फिर इनकी कोई बात नहीं चली तो अपनी बात चलवाने के लिए, और ये लोग अपनी अवाम से पैसे भी लिया करते थे, तो लिहाजा फिर अगर नबी पर ईमान ला लेंगे तो जो इनकी अवाम इनको बड़ा समझकर नजराने पेश करती है वो नजराने इनसे दूर हो जाएंगे, वो नजराने का इनको नहीं मिलेंगे। लिहाजा ऐसे नजरानों के लिए और ऐसे थोड़े से पैसे के लिए ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। जब इनकी अवाम आकर इनको पूछती कह रहे हमारे तौरात में तो ऐसा था लिखा है नबी के आखिरी नबी के औसाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये आखिरी नबी कैसे नहीं हुए? तो ये लोग उसके अलग अलग ताबीर करते, नहीं नहीं इसका ये मतलब है, नहीं उसका वो मतलब है, इस तरीके से ताबीर कर लोगों को गुमराही रखते थे। तो बहरहाल ये बनी इसराइल का जिक्र था। अब यहाँ से तकरीबन एक दो रुकू तक अल्लाह तबारक व तआला उनको इस्लाम की दावत दे रहा है, उनके हालात को बयान करते जा रहा है। तो इंशाअल्लाह आगे बनी इसराइल का जिक्र होगा, एक मुख्तसर सा उनका तआरुफ़ था। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनको बुलाया है ए बनी इसराइल कहकर, तो अल्लाह ने इनको क्या मुखातब फरमाया, क्या बातें बताई, हम इंशाअल्लाह अगले दुरूस में जिक्र करेंगे। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.